ठीक है, तो हम लोग का बाबू जो भी पढ़ना है बाबू, जो भी सिलेबस में पढ़ना है बाबू, कैसा पढ़ना है बाबू, थिन लेंस के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है बाबू? थिन लेंस के बारे में, है ना, ये मोटका लेंस के बारे में नहीं पढ़ना है, ये वाला मोटा लेंस के बारे में नहीं पढ़ना है, समझे शैतान, है ना। तो ठीक है सर, तो अब थिन लेंस किसको कहेंगे सर? थिन लेंस किसको कहेंगे बाबू? तो थिन लेंस उसको कहेंगे बाबू जिसका बाबू क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर से, शांति से सुनो, जिसका बाबू रेडियस ऑफ कर्वेचर से बाबू अपर्चर क्या बहुत छोटा है, वो ऐसा लेंस सर जिसका अपर्चर क्या, यही ना अपर्चर है बाबू, ये अपर्चर बहुत छोटा होना चाहिए, किससे सर? रेडियस ऑफ कर्वेचर से सर। तो ऐसे लेंस को क्या कहेंगे? थिन लेंस कहेंगे बाबू। और जब थिन लेंस होगा बाबू, तो कोई भी रे ऑफ लाइट बाबू ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, तो उसमें हमने एज्यूम किया सर कि रे ऑफ लाइट सीधे निकल जाएगा, डिविएशन नहीं होगा। आपको स्टार्टिंग में बताया ना बाबू कि मान लो एक ग्लास स्लैब लो, है ना, और यहाँ से बाबू रे ऑफ लाइट ऐसे पास करवाते, तो एक बार यहाँ रिफ्लेक्शन होता है, एक बार इधर नॉर्मल क्योर मिलता है, फिर बाबू यहाँ नॉर्मल से दूर भागता है, तो डबल डिविएशन होता है ना। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ हम लोग लेंस में नहीं पढ़ते हैं, समझा बाबू? तो थिन लेंस हम कोई कैसे कहेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट कंसेप्ट लिखेंगे बाबू, नेक्स्ट कंसेप्ट लिखेंगे, है ना। स्टार्टिंग में आपको लिखा है बाबू कि क्या पढ़ रहे हैं, थिन लेंस के बारे में पढ़ेंगे, है ना बाबू। तो थिन लेंस किसको कहेंगे सर, है ना बाबू? तो दलदल लेंस बाबू कैसे डिफाइन करो बाबू, थिन लेंस बाबू, द लेंस बाबू, इसी में कंसेप्ट करके लिखना बाबू, एरो देखे, द लेंस बाबू, द लेंस बाबू हुज अपर्चर, सर इसके नीचे से, हाँ इसके नीचे बाबू, इसके नीचे डायग्राम के नीचे बाबू, डायग्राम के नीचे बाबू, द लेंस बाबू हुज अपर्चर, द लेंस बाबू हुज अपर्चर इज बाबू, म्यूट कर लो बाबू, इज बाबू मच लेस देन, द लेंस बाबू हुज अपर्चर इज बाबू मच लेस देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट्स बाबू रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आता है अपना प्रकाश? यस सर। इज नॉन एज बाबू, इज नॉन एज बाबू थिन लेंस, इज नॉन एज बाबू थिन लेंस बाबू विथ अ स्मॉल अपर्चर, थिन लेंस बाबू स्मॉल अपर्चर। तो ये बाबू टर्मिनोलॉजी था, ठीक है ना बाबू, टर्मिनोलॉजी था, लिखिए बाबू। अब इसके बाद क्या बाबू, जैसे कनकेव मिरर में रूल है ना बाबू, कनकेव में बल्ब मिरर में कैसे थे रूल थे, उसी तरह यहाँ भाई बाबू इमेज फॉर्मेशन जो फोटो बनेगा उसका भी रूल रेगुलेशन है ना। लिखिए शैतान मेरे, दिख तो रहा होगा अच्छा से सर, अगले संडे आ जाइएगा? नहीं बाबू, इस संडे सबके पास जाएंगे, सब बहुत शैतान हो गया, शिवानी है, शिवानी को फिक्स है मतलब मेरे घर। अच्छा ठीक है सर, इस मतलब इस बार जाइएगा उसके घर भी क्या, जानवी के? हाँ बाबू क्यों नहीं जाएंगे, तो देखवे करते हैं, उस पे मैंने थी दुर्गा जी का रूप आया हुआ। लिख लिया बाबू शर्मा जी? ए शर्मा, हाँ सर लिख लिया सर, बोर्ड वाला इरेज कर दीजिए, नहीं दिखता है अच्छे से। अरे शैतान, अभी अभी लाइट बंद करेंगे तो दिखेगा, टेंशन मत लो। सर मैं जाऊं? कहाँ बाबू? सर स्कूल का एग्जाम है तो लिंक आया है सर, ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है। क्या बाबू, कितना दिन चलेगा एग्जाम बाबू? सर 31 तारीख तक। 31 तारीख तक चले बाबू? यस सर। तो ये कंप्लीट कैसे होगा वो, ये वाला देख लोगे वीडियो बाद में? हाँ देख लूंगा सर, आप रिकॉर्डिंग है ना, वीडियो देख लूंगा। ठीक है बाबू, जाइए, बाय सर। बाय बाय बाबू। देखो समझो, ठीक है बाबू, ये ट्राइपॉड को इधर करेंगे तब ना शैतान मेरे। चलिए अब क्या हुआ बोलो, किसको क्या समस्या है? बोर्ड पे का इरेज कर दीजिए। चलिए ठीक है, ये आपको क्या दिख रहा है बाबू, कैमरा उमरा देख रहा है कुछ हो? ये कैमरा है बाबू, है ना, हाँ तो कैमरा में भी लेंस यूज करते हैं बाबू, है ना, कैमरा में भी लेंस यूज करते हैं, है ना। ठीक है सर,
सिनेमा हॉल के जैसा तो है आप लोग का बाबू, बड़ा सिस्टम था। हमको तो सिनेमा हॉल जैसा इसलिए लगता बाबू कि बोर्ड पे बड़ा है, आप लोग तो मोबाइल में देखते होंगे। हाँ सर। चलिए बाबू देखे शैतान, ठीक है। ये सिनेमा हॉल का रील है बाबू, है ना, ऐसे ना चलता आप लोग सिनेमा हॉल। ठीक है बाबू, चलिए। ये सब सारा क्या है बाबू? लेंस है। देखो ये सब जो आपको दिख रहे हैं शैतान, मेरे सारे के सारे लेंस है। ये बाबू क्या आपका ये ऑप्टिकल्स है बाबू, चश्मा है ना बाबू, इस भी लेंस है सर, है ना बाबू। ये आपका क्या बाबू, कैमरा है, इसमें भी लेंस है बाबू। ये बाइनोकल्स है बाबू, इसको दूरबीन कहते हैं। इसमें बाबू क्या लेंस है, तो सारे जगह क्या बाबू लेंस है ना, वो लेंस है। कौन सा लेंस बाबू, तो अधिकतर में बाबू जनरली क्या रहता है, कन्वेक्स लेंस रहता है। यूज ऑफ कन्वेक्स लेंस बताएंगे बाबू, है ना, तो कन्वेक्स लेंस रहता है। ठीक है, अब समझो एकदम आसानी से शांति से समझते चलना, है ना बाबू। ठीक है, ठीक है सर। पिछला बार भी वीडियो दिखाए थे बाबू, तो देखो क्या किया गया शैतान, यहाँ पे क्या किया बाबू, एक कर्व सर्फेस स्फेरक बाबू, एक ऐसे कर्व सर्फेस लिया गया, और एक दूसरे स्फेरक बाबू इधर इधर से क्या किया गया, कर्व सर्फेस लिया गया, है ना बाबू, कर्व सर्फेस लिया गया। अभी दोनों कर्व सर्फेस को क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, क्या करेगा, वो ज्वाइन करेगा। तो अगर ऐसे उलट के ज्वाइन कर देगा बाबू, अधासा हुआ पार्ट बाबू ऐसे रहेगा, अरे ऐसे उलट के ज्वाइन कर देगा तो मेरा कौन सा लेंस बनेगा बड़ा बताओ तो प्रकाश से, जो उभरा हुआ पार्ट है, ये जो उभरा हुआ पार्ट है, ये दोनों को अगर सटा देगा, ये दोनों को क्या करेगा, जो तो कनकेव लेंस बन जाएगा, और उलट के सटाएगा वो तो कैसा बन जाएगा, कन्वेक्स लेंस बन जाएगा ना, कन्वेक्स। हाँ, तो जितना भी अभी तक लेंस में पढ़ा है बाबू, सब सारे के सारे रिवाइज करते चलिए, रिकैप करते चलिए, है ना, रिकैप करते चलिए मूवी की तरह। ठीक है, समझ में आ रहा है शिवानी? ये शिवानी नहीं बोलिएगा, शिवानी यस सर, समझ में आ रहा बाबू? यस सर। तो शिवम चल गया ना, एक सतीश गया होगा और एक शिवम गया होगा, है ना, ये सब शैतान ना। चलिए नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट बाबू, ठीक है। तो देखो बाबू ज्वाइन करेगा कर्व सर्फेस को, क्या करेगा बाबू, ज्वाइन करेगा, है ना। ठीक है, तो ये मेरा कैसा लेंस हो गया सर, ये देखो बाबू कन्वे क्या, ये सर्फेस इधर ना बाबू, तो ये हो गया कन्वेक्स लेंस, हो गया कन्वेक्स लेंस हो गया। इसी को क्या नाम देते हैं बाबू, बाई कन्वेक्स कहते हैं या कन्वेक्स कहते हैं, है ना। नेक्स्ट बाबू, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये क्या शैतान, ये क्या बाबू, ये इसका क्या बाबू, ये लेंस का बाबू क्या थिकनेस है, थिकनेस है, ये क्या बाबू थिकनेस है, लेंस का क्या थिकनेस है, है ना। ठीक है सर, ठीक है। तो इसके बीच में जो पॉइंट होगा शैतान, इसके बीच में पॉइंट होगा, क्या नाम देंगे सोमिया बताओ तो बाबू, इसके लेंस के जो बीच का पॉइंट होगा उसका क्या नाम दोगे? ऑप्टिकल सेंटर। हाँ, ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है आप प्रकार? ठीक है, ये कैसा हो गया, बाई कनकेव लेंस हो गया, ये कनकेव। हाँ बाबू, बाई कनकेव, कनकेव, डबल कनकेव, सब एक ही आदमी है। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या बाबू, जो कनकेव लेंस है बाबू, बीच में क्या है, एकदम नैरो पार्ट है ना बाबू, तो इसको पहचाने का ये भी तरीका सर, बीच में धसा रहेगा, बीच में धसा रहेगा, साइड में एजेस पे क्या रहेगा बाबू, थिकर रहेंगे, एजेस पे क्या रहेंगे, थिकर रहेंगे, और कन्वेक्स लेंस में बीच में क्या रहेगा बाबू, थिकर रहेगा, बीच में थिकर रहेगा। ठीक है, ठीक है सर, आगे आ जाओ बाबू, ऑप्टिकल सेंटर, है ना, ऑप्टिकल सेंटर बाबू। देखो यही बाबू ऑप्टिकल सेंटर है, ये लेंस हो गया शैतान, इस लेंस का जो बीच वाला पॉइंट होगा बाबू, जो बीच वाला पॉइंट होगा, ये भी एक लेंस है सर, इसका जो बीच वाला पॉइंट होगा, दैट पॉइंट इज बाबू कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। सारे का सारे पॉइंट क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर होगा, एक तो एक ही ऑप्टिकल सेंटर होगा बाबू, एक ही ऑप्टिकल सेंटर होगा। म्यूट कर लीजिए बाबू, आर्या क्यों इतना अच्छी करे बाबू। नेक्स्ट बाबू, टर्मिनोलॉजी समझते चलो, टर्मिनोलॉजी समझते चलो, मैं क्या कर रही हूं। अच्छा ठीक है बाबू, आप हमारे सबसे प्यारे स्टूडेंट हो। चलो नेक्स्ट बाबू, ठीक है। अब देखो बाबू, यहाँ पे दो स्फीयर दिखाया गया, जो आपको हम ऑलरेडी बता चुके डायग्राम में, है ना बाबू। देखो ये बाबू क्या, ये कि मेरा ये कर्व सरफेस है ना शैतान, इस कर्व सरफेस का स्फीयर किधर बनाया, इधर बना दिया, ये जो कर्व सरफेस है, इस साइड वाला कर्व सरफेस इधर इधर बना दिया, तो इस स्फीयर का बाबू एक क्या होगा, सेंटर होगा, इस स्फीयर का अपना एक सेंटर होगा, तो इस सेंटर का नाम क्या होगा बताइए तो आर्या बाबू, इस स्फीयर के सेंटर का नाम क्या होगा बताओ आर्या, बताओ प्रखर, पुनः पढ़ती है प्रखर वो बताइए, इस स्फीयर का सेंटर का नाम है क्या होगा बाबू, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, आप ही लोग तो होनहार हो बाबू, रिवाइज करके नहीं आते सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर,
हाँ बाबू सर रेडियस ऑफ पॉइंट से थोड़ा आगे होता सर हाफ लाइन कवर करता सर तो उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं ना। हाँ बाबू हम क्या बोले कि ये स्फीयर का। हाँ सर ये लेंस नहीं है सर, सर ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। हाँ सर ये लेंस नहीं है। क्या इसका नाम होगा प्रकार? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सुसाइड कर लो बाबू, पानी ऐसे लो, अजय श्री राम। सर ये लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ बाबू ये क्या होंगे सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा बाबू, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है सर। और बाबू इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दो तो ये टोटल के टोटल लंबा लाइन दादी से नाले घर बाबू, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे ना। तो जितना टर्मिनोलॉजी बताएं बाबू सारे आपको हम वीडियो के द्वारा दिखा रहे हैं ना, वीडियो के द्वारा दिखा रहे हैं। ठीक है नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट। ठीक है ठीक है सर। तो जैसा बाबू कन्वेक्स लेंस है वैसा कनकेव लेंस है, ठीक है ना। चलो ठीक है बाबू, ये क्या लिया गया, कन्वेक्स लेंस लिया गया है ना। ठीक है अब देखो बाबू, देखो अपर्चर यहाँ बताया, देखो ये कन्वेक्स लेंस है ना शैतान, तो इसका कुछ ये बाबू डायमीटर होगा ना, ये डायमीटर होगा ना यहाँ से यहाँ तक बाबू, यहाँ जो लेंस की जो लेंथ है बाबू, ये जो डायमीटर है इसी को क्या कहा गया बाबू? अपर्चर कहा गया। दिख रहा है ना क्लियर? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बाबू? अरे बाबू दिख रहा है क्लियर कि नहीं दिख रहा है? यस सर दिख रहा, नहीं सर क्लियर दिख रहा। हाँ बाबू अपना प्रकाश दिख रहा है बाबू? यस सर। हाँ बाबू तो अपर्चर क्या होंगे सर, सारे सारे टर्मिनोलॉजी आपको हमने लिखा दिया, डायग्राम से बना दिया, वीडियो दिखा रहे हैं, अब इससे अच्छा नहीं पढ़ा सकते हो। ये जो बाबू क्या है, ये बाबू जो लेंस है तो इसका जो डायमीटर होगा बाबू, दिस इज कॉल्ड बाबू अपर्चर, दिस इज कॉल्ड अपर्चर है ना। ठीक है सर नेक्स्ट आ जाओ बाबू। ठीक है अब बाबू देखो यहाँ क्या किया गया, देखो यहाँ क्या किया गया, नेक्स्ट बाबू फोकस को डिफाइन किया है ना। अब यहाँ समझो यहाँ से क्या चले बाबू, आपके दादी घर से बाबू क्या चला, दो पैरेलल रे ऑफ लाइट चला। ठीक है सर ये पैरेलल रे ऑफ लाइट है बाबू, रे ऑफ लाइट आया, रे ऑफ लाइट आया सर, इधर से एगो पैरेलल रे ऑफ लाइट आया बाबू है ना, कहाँ से आएगा सर? टॉर्च वॉर्च ऑन करो ना बाबू, यहाँ से इस पर टॉर्च ऑन करो ना बाबू, मेरे क्या जाता है, यहाँ से ऐसे करके टॉर्च ऑन करो, ऐसे करके टॉर्च ऑन करो, तो देखो कितना अच्छा रे ऑफ लाइट जा रहा है ना बाबू, ये बीम ऑफ लाइट कितना अच्छा एकदम, देखो तो इमेज इससे अच्छा पढ़ाई होता है बाबू, कितना एक बीम ऑफ लाइट निकल रहा, तो यहाँ पे एक लेंस है सर, तो जैसे इस लेंस पे आएगा बाबू तो इतने सारे बीम ऑफ लाइट में से बाबू, इतने सारे बीम ऑफ लाइट में से हम लोग दुइये को कंसीडर करें, दुइये रे ऑफ लाइट कंसीडर करें ना, बहुत सारे है ना बाबू, तो हम लोग इमेज हमको सुंदर सा चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे, दो रे ऑफ लाइट लेंगे, इसमें बाबू बहुत सारे बीम ऑफ लाइट है, बहुत सारे रे ऑफ लाइट है, तो इतने हम नहीं लेके बाबू क्या करेंगे, दो गो रे ऑफ लाइट लेंगे, दो गो लेंगे है ना, तो एक रे ऑफ लाइट ये लिया बाबू, दूसरा रे ऑफ लाइट ये लिया, तो जैसे बाबू ये कन्वेक्स लेंस से पार करेगा सर, जैसे कन्वेक्स लेंस से पार करेगा है ना, तो किसी पॉइंट पे ये दोनों रे ऑफ लाइट कट करे बाबू, जिस पॉइंट पे बाबू कट करेगा उसका नाम क्या होगा, आफ्टर बाबू कन्वेक्स लेंस से पास करे तो जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट का नाम क्या होगा, कौन बताएगा, बताओ प्रकार, कौन बताएगा, बताओ सौम्या, प्रिंसिपल फोकस, हाँ बाबू इसका नाम क्या होगा, वो प्रिंसिपल फोकस नाम होगा है ना, प्रिंसिपल फोकस। हाँ बाबू तो ये आप ये बताओ बाबू, आप लोग इतना देर से क्यों समझते हो, वो बॉर्नविटा हॉर्लिक्स नहीं पीते हो, हैं बोलने वाला देखो तुरंत बोल देता है, थोड़ा दिमाग तेज कीजिए बाबू, बूस्ट कीजिए तभी ना ये टॉप कीजिएगा, तो दिस इज कॉल्ड बाबू प्रिंसिपल फोकस, दिस इज द कॉल्ड बाबू प्रिंसिपल फोकस है ना। ठीक है नेक्स्ट कौन बताए, बताओ तो शिवांगी है कि चल गई, शिवांगी नहीं लगती चल गई, शर्मा जी आप बताए, ओम प्रकाश चौरासी चौरासी बाबू इसका क्या नाम होगा सर, प्रिंसिपल फोकस है ई बाबू से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, चौरासिया बाबू हाँ बाबू, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे सर, ये जो लेंथ है सर, ये जो लेंथ है बाबू इसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे, इसको क्या कहेंगे बाबू, फोकल लेंथ कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे है ना बाबू। ठीक है सर ठीक है ठीक है बाबू नेक्स्ट, बाबू नेक्स्ट देखो, ठीक है नेक्स्ट आइए, कन्वेक्स लेंस बाबू। ठीक है तो इतना देर से क्या चल रहा था, कन्वेक्स लेंस ही चल रहा था है ना, कन्वेक्स लेंस ही चल रहा था। ठीक है अब बाबू यहाँ पे क्या क्या बाबू, जो लेंस है बाबू क्या छोटे छोटे पीसेस है, कट कट काट दिया है ना, छोटे छोटे पीस को इसको डिवाइड करके बताया गया है ना, देखो कट कर दिया गया है ना, तो ये क्या बन जाएगा, स्लैब बन जाएगा, ये बाबू क्या बन जाएगा, स्लैब बन जाएगा, रेक्टेंगुलर स्लैब का बताया ना बाबू है ना, ये एक तरह का क्या बन जाएगा, स्लैब बन जाएगा है ना। ठीक है तो यहाँ पे दिखाया गया ये बाबू की रे ऑफ लाइट जो आएंगे सर, जो रे ऑफ लाइट आएगा बाबू यहाँ से पैरेलल जो आएगा है ना, वो क्या करेगा, एक पॉइंट पे देखो यहाँ से क्या चला, पैरेलल रे ऑफ लाइट चला, पैरेलल रे ऑफ लाइट चला बाबू, पैरेलल रे ऑफ लाइट चल रहा चल रहा चल रहा, लेंस से पास हुआ, लेंस से पास हुआ, सारे रे ऑफ लाइट बाबू क्या हो गया, देखो देखो सारे रे ऑफ लाइट बाबू क्या हो गया,
कन्वर्ज हो गया। देखो देखो देखो, हाँ बाबू देखो देखो कितना अच्छा से डायग्राम बताया गया सर। अभी क्या है, यहाँ से बाबू एक बीम ऑफ रे ऑफ लाइट चला, ठीक है ना। तो देखो जो भी सारे रे ऑफ लाइट बाबू लेंस से जैसे पार हो गया बाबू, लेंस से सर यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ ना। हाँ बाबू, ये बाबू लेंस से जैसे पार हुआ बाबू सारे के सारे क्या हो गए, एक पॉइंट पे रे ऑफ लाइट आके मिल रहा है, रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे मिल रहा है। आप लोग को नहीं विश्वास हो तो मैग्नीफाइंग ग्लास लेना, ठीक है ना। तो एक पॉइंट पे बाबू आपको बताते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में, है ना। तो बाबू एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, एक पॉइंट पे प्रैक्टिकली ऐसी होता है, प्रैक्टिकल करोगे तो ऐसी होगा। एक लेंस लेना इधर से लेजर लाइट ऑन करना, तो देखना सारे का रे ऑफ लाइट वो एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगे, है ना। तो ये बाबू एक पॉइंट पे मिल रहा है, जिस पॉइंट पे मिला इसको फोकस कहेंगे, है ना, फोकस कहेंगे, है ना बाबू। और ये आपका क्या हो गया, ये बाबू फोकल लेंथ हो गया, है ना, फोकल लेंथ हो गया। और सारे के सारे रे ऑफ लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, सारे के सारे को कन्वर्ज कर रहा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये जो लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस है, इसी को कन्वेक्स लेंस कहते हैं, है ना। चलिए ठीक है बाबू, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो कन्वर्ट किया बाबू, इसका नाम क्या दे दिया जाएगा, फोकस प्रिंसिपल फोकस कर दिया जाएगा, है ना। फोकल पॉइंट बाबू और प्रिंसिपल फोकस, मन से पढ़िए एकदम, समझ के पढ़िए एकदम बाबू। देखिए तो कितना अच्छा रे ऑफ लाइट जा रहा है सर, जा रहा है सर, एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है सर, है ना। तो ये सही में कन्वर्ज कर रहा है, इसको बाबू क्या कहेंगे, रियल फोकस कहेंगे। प्रिंसिपल फोकस को इसमें क्या कहेंगे, कन्वेक्स लेंस में रियल फोकस कहेंगे, है ना, ठीक है। उसके बाद बोला क्या है बाबू, कंकेव लेंस आएगा, ठीक है। कितना अच्छा बाबू, मूवी की तरह तो एकदम चल रहा है सर। चलिए बाबू, यहाँ बाबू एंगल ऑफ डिविएशन बताया गया बाबू, यहाँ एंगल ऑफ डिविएशन बताया गया कि कहाँ पे ज्यादा सबसे ज्यादा डिविएशन होगा, है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होता है उसका स्ट्रेट मार्क, सबसे कम डिविएशन यहाँ पे होता है बीच वाले से, ठीक है। यहाँ ये दूरी को क्या डिफाइन करेगा बाबू, फोकल लेंथ। इस दूरी को क्या, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच की दूरी को क्या डिफाइन करेगा बाबू, फोकल लेंथ, है ना। तो जितने सारे टर्मिनोलॉजी बताए बाबू सब वही है, वही चीज है ना। तो वहां पे डायग्राम से बता दें। नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन, यहाँ पे बता रहा है साइन कन्वेंशन आपको बताएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब फोकल लेंथ क्या करेगा, घटाएगा बाबू तो लेंस धीरे धीरे क्या होगा, मोटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट जो आपको बाबू रूल पढ़ाएंगे, कल आपको रूल पढ़ाएंगे, है ना बाबू। देखो यहाँ पे क्या किया गया, अगर कोई रे ऑफ लाइट है बाबू डायरेक्ट सर, कल तो संडे ना बाबू, तो कल तो टेस्ट होगा ना, नेक्स्ट क्लास में बाबू। रे ऑफ लाइट बाबू अगर डायरेक्ट प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा, डायरेक्ट बाबू यही ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा, तो बिना डिविएशन तो बाबू सीधा आगे निकल जाएगा, है ना बाबू, ठीक है। तो इसे बाबू आगे वाला क्लास, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना बाबू। आप लोग को वीडियो देखना रहेगा इला बाबू, तो देख लीजिएगा YouTube पे बाबू अवेलेबल है, ठीक है ना, YouTube पे अवेलेबल है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो बाकी फिर जैसे जैसे पढ़ाएंगे सिलेबस आगे बढ़ेगा, उसे सब बताते चलेंगे, एकदम मूवी की तरह तो है जी। क्लियर दिख रहा है सौम्या? यस सर। हाँ बाबू, तो सतीश गया, शर्मा जी गया, चौरसिया बाबू क्लियर दिख रहा है, चौरसिया भी लगता चल गया क्या, चौरसिया मैं है ये जी प्रीति की दादा। चलिए ठीक है, तो बाबू अब देखो एक बात सर, देखो यहाँ क्या करे बाबू, इधर से रे ऑफ लाइट टॉर्च ऑन करोगे तो सर देखो क्या किया गया बाबू, इधर से टॉर्च ऑन किया तो इधर मेरा क्या बनेगा, फोकस बनेगा बाबू, आशीषी का मन होगा सर, हम लेंस है ना सर, हम लोग इधर से टॉर्च ऑन करेंगे, तो इधर से जब टॉर्च ऑन करोगे तो मेरा फोकस किधर बनेगा, इधर बनेगा। तो इधर फोकस को क्या मान लेगा, F1, इधर के फोकस को क्या मान लेगा, F2, है ना बाबू, दो कर्व सरफेस ना, एक कर्व सरफेस इधर है सर, दूसरा कर्व सरफेस इधर है, है ना। तो इस साइड से अगर ऑन करोगे मेरा आप लाइट, तो फोकस मेरा इधर बनेगा, रिफ्रैक्शन इधर होगा, इस साइड से ऑन करोगे तो रिफ्रैक्शन इधर होगा, तो मेरे पास कितने फोकस होंगे, दो फोकस होंगे बाबू, टू फोकस इन लेंस, है ना बाबू, लेंस, ठीक है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी में पढ़ाएंगे बाबू, आगे ये प्रॉपर्टी में पढ़ाएंगे,
क्या कहा बाबू, रे ऑफ लाइट बाबू प्रिंसिपल फोकस पे टॉर्च है, मान लो यहीं पे टॉर्च है देखो, यहाँ से जो रे ऑफ लाइट जाएंगे तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अरे शैतान प्रिंसिपल फोकस पे यहाँ पे टॉर्च रखो ना शैतान मेरे, है ना, यहाँ बाबू क्या करो प्रिंसिपल लाइट फोकस पे करके टॉर्च रखो, तो प्रिंसिपल फोकस पे टॉर्च रखोगे तो यहाँ से क्या निकला, रे ऑफ लाइट निकला ना बाबू, रे ऑफ लाइट निकला ना, तो जैसे लेंस के पास पार करेगा बाबू, लेंस से पार करेगा तो क्या हो जाएगा, सारे का सारे क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ये पढ़ाएंगे अगले क्लास में बताएंगे, अगले क्लास में बताएंगे, है ना बाबू, ठीक है। तो इतना बाबू आप लोग इसको रिवाइज करके आइएगा और लेंस को और अच्छे से समझना बाबू, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग बाबू एक काम कीजिएगा कि मिरर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लेंस को अगर अच्छे से समझना है तो मिरर को एकदम अच्छे से पढ़ लेना है ना, मिरर पे कमांड तो लेंस पे कमांड, कुछ तो नहीं दोनों सेम ही चीज है ना, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए बाबू, नहीं तो एंड करते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, प्रखर कुछ पूछना है बाबू, बाय सर, बाय बाय बाबू, प्रखर बाबू धीरे से की, हाँ चलिए सर, बाय सर, थैंक यू सर, हाँ बाबू यही था। अब प्रखर आ रहा, क्यों आप लोग थोड़ा स्लो समझते बाबू, फिर कंप्लीट हो गया, अब ने प्रकाश भाग गया शैतान, नहीं सर, मेरा हो गया, अब ने बाबू, यस सर, कल आएंगे ना बाबू, फिर हो जाएगा ना कल तक, यस सर, हाँ बाबू कल तक कर लीजिएगा, आ जाएंगे कल, कब टाइम बता देंगे कल आपको, है ना, अब बताओ शैतान, चलिए ठीक है बाबू, शिवम तो चल गया था ना, चलिए जी प्रखर आवा रहा, आप लोग का प्रोसेसर इतना स्लो कैसे बाबू, ये हमारी आ रही है प्रखर बाबू, बोलिए ना मेरे प्यारे से दुलारे से न्यारे से, आर्या प्रोसेसर yes, इतना स्लो कैसे, ये दादा राज वाला प्रोसेसर कहाँ से ले आए बाबू, कैसे स्लो काम करता है सर, क्योंकि अभी ये सब नहीं पढ़े थे लो, अच्छा नहीं पढ़ी थी, यस सर फर्स्ट टाइम, ये अभी यही यहाँ पे ऐसा पढ़े हैं, यही पे ऐसा पढ़े बाबू, तो वहाँ पे क्या मैंने वनस्थली में होता क्या चीज है, खाली प्लेन होता।